जड़े महापुरुष कहते सबुले आम मुंडे गोटे सकारात्मक और गोटे नकारात्मक दुईट घोड़ा दौड़ी जहाक अधिक आहार मिले सी अधिक दौड़े और सी ही जीति थाए। नमस्कार, मु शारद प्रसाद आपण मानक एसपी स्टोरीज को स्वागत। आज पुणी आपण मानी एक सुंदर कहानी टी नहीं आसी। थर गोटे जुवक तार छाती पिटी कांदु थाए, तार भाग्य को निंदु थाए, तार बापार अमाप धन सम्पत्ति जहाँ से ठीक से भोग कर जड़े भद्र व्यक्ति आसी कहले कौन पाई कांदु छ, कौन है तुम असुविधा कौन ना, मोर भाग्य मो पाखे ना, मोर भाग्य साथ देवन, मु बहुत दुखरे अच्छी। से भद्र व्यक्ति उपदेश दे कहले तुम्हें भाग्य तुम ठार बहुत दूर को पलि तुम भाग्य से पहाड़ शीर्ष जाइक अच्छी, तुम्हें जा भाग्य को नहीं आस। से युवकटी व्यक्तिर उपदेश को हे मन करी हास्य उड़ेदेला, कहला मो भाग्य मोठ दूरे जीव, ये गोटे कथा कि कहाँ ठार भाग्य दूर पड़े जाए पहाड़ उपर केमती रही। तो रातिर से होती रातिर स्वप्न देखला से पहाड़ उपर गोटे व्यक्ति छाती डेला छाती को बाड़ी से जहाँ को भाविला सी ही भाग्य। पर दिन से चलला से पहाड़ शीर्ष उपर को किपर जा भाग्य को आणव। से जीवा समय बाटरे गोटे छोट पहाड़े पड़ा, से पहाड़ पादेश सिंह को देखला। से सिंह को देखला लुचिकी तार अन्य बाटर जीवा समय सिंह ताक देखे डाकिला एटी पाखक आ, मु बहुत दिन है खाईना, मोर रोगाग्रस्त, मु ते खाइबी ना, मु ते मारि कड़े जाऊ, से पहाड़ उपर को जाठी भाग्य रोचे ताकू मोर ये दुखर कारण कौन मुझे पचारे जागरे नहीं कि आस। तापरे से सिंह कहला जदि तू जाऊ से ताहले मोर गोटे काम कर, मु गोटे प्रश्न पचारूँ जाकि मो प्रश्नर उत्तर नहीं कि आसबु भाग्य ठारू, जदि तू से भाग्य ठारू उत्तर नहीं कि आसबु मु तते गोटे उपहार देवी। सिंह पाखु विदाय नहीं से किछि बाट गला परे गोटे झरणा पड़ा, से झरण से स्नान कला, झरणा कूल गोटे सुंदर फल बगिचा। से फल बगिचारु फल किछि तोलिला एवं खाऊ खाऊ गोटे फल पाटरे पुरैछि ता कोसा लागिला, से थु थु करि काढ़गला। से समय रे ठीक फलर फल बगिचार मालिक आसी पहुँचला। से मालिक ताकु कहिला हाँ ए फल केही खान भल पाउनांती, समस्त पाटी को कोसा लागुछि पिता लागुछि, तुम्हें कुआडे जाउछ, एठी काहे कि आसछ ना, मु जाउछि से पहाड़ को, पहाड़ उपर भाग्य रहुछि ताकु आनिया पई जाउछि। ठीक अछि बाबू, तुम्हें जदि जाऊ मोर गोटे काम कर दियो, तुम्हें जदि मत साब मु तुमको गोटे उपहार देवी। से भाग्य को पचार मोर ए फल मीठा किपर हे, तापर से प्रश्नटी शुणला युवकटी पुणी चलिए पहाड़ उपर को चढ़ा समय शीर्ष को चढ़वे अल्प किसी दूर पूर्वर गोटे महल देखिले, सुंदर महल, एवं सुंदर महल पाखे गोटे सुंदर कन्याटी ठिया से महिलाटी डाक पचारे हे युवक तुम्हें कुआडे जाऊ ना, मु यही पहाड़ उपर अच्छी भाग्य आणवाप जाऊक जी। ठीक अच्छे तुम्हें जब जाऊ मोर गोटे काम कर दियो, मोर गोटे प्रश्न अच्छे से भाग्य को पचार उत्तर मत आस कह तुमको गोटे सुंदर उपहार टे देवी। यापर युवकटी प्रश्नटी शुणला से ही महिला ठार विदाय नहीं शीर्ष पहुँचला पहाड़ शीर्ष उपर व्यक्ति जनक देखला सी ही भाग्य ताकू समस्त प्रश्न पचारा समस्त उत्तर जाणला कहला मो सहित चल। भाग्य किंतु कहला मु तुम सहित जी ना, मु तुम पछे पछे आसवि। एपरी कथा सरला से आसला एवं प्रथमे से महिला को तार प्रश्नर उत्तर कहला, तापर से भद्र व्यक्ति पाखक आसला तार प्रश्नर उत्तर कहला, शेषे आसी सिंह पाखे पहुँचला। सिंह कहला तुम्हें बाबू जा मोर काम करके आसिल, कौन कौन हैला तुम यात्रा रे ना, नाई मो यात्रा भल थिला, तुम भणी मध्य आउ दुई जनकर प्रश्न थिला ता उत्तर तांको कहिके आसिलि ना, काहाकु को प्रश्नर उत्तर देके आसिल ना, प्रथमे मो आसिला बेले महिलांकु तांकर प्रश्न थिला से तांको बहुत सुंदर हेले मध्य तांको जीवन रे सुख केमिति पाइबे, तो तांको कौन उत्तर देला तुम्हें।
ଯୁବକ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଟେ କି ମିଳେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ବିବାହ କଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ନାହିଁ, ମୋ ପଛରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଗକୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଦେଖା ହେଲ? ଯୁବକ କହିଲା, ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚାର ମାଲିକ ସହିତ ଦେଖା ହେଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର କହିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଫଳ କିପରି ମିଠା ହେବ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ସେ ଯେଉଁ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଫୁଳ ବଗିଚାରେ, ତାକୁ ନ ଦେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସି ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ନତୁବା ଯେଉଁ ଝରଣାର ପାଣି ଦେଉଛନ�ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଅଛି। ସେ ସୁନାକୁ ଯଦି କାଢ଼ିକି ପାଣିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଫଳ ମିଠା ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲ, ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେଲେ? ନା, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ସୁନା ସବୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସବୁ ସୁନା କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ନେଇଯିବ। ସିଂହ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ। ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ସୁନା ଆଣିବି, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲି, ସବୁ ମନା କରିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେସବୁଥିରେ ଆଶା କରିବି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ, ମୋର ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି ମୁଁ କିପରି ଭଲ ହେବି? ଯୁବକ କହିଲା, ତୁମକୁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକର ମଗଜ ଯଦି ଖାଇବ ତାହେଲେ ତୁମର ଏ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସିଂହ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି, ଆଗ ପଛ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେଇ ଯୁବକ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଫାଳ କରି ତା ମଗଜ ଖାଇଦେଲା। ତେବେ ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା, ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲିବା, ଫଳର ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ କି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଯାହା ଦେଖି ଦୁନିଆ ଆମଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।